ये तो हम जानते ही हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर किसी से किसी को फ़ायदा होता है तो किसी को नुकसान भी होता है। इस लॉकडाउन से जहां मानव जाति पूरी अपने घरों में फंसी हुई है, हर किसी को इंतज़ार है इस लॉकडाउन के खुलने का, वहीं प्रकृति और वन्य जीव इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए रहे हैं, कुछ फ़ोटो वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा गया है कि वन्य जीव शहरों के अंदर तक घूम रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो फ़ोटो फेक हों, लेकिन फिर भी प्रकृति को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस से किसको फ़ायदा हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर वर्ष ये कोशिश की जाती है कि कैसे हम वायु प्रदूषण को कम करें, कैसे वाहनों को कम करें, लेकिन इसका कोई भी सटीक इलाज नहीं निकला है। लेकिन अब होने वाले लॉकडाउन यानी कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में 60-70% तक की कमी आई है, और ये चौंका देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि इतनी कमी कभी भी वायु प्रदूषण में दर्ज नहीं की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ऐसा मानना है कि अब हवा की गुणवत्ता 0 से 50 पहुंच चुकी है, जो कि पहले 100 से 150 रहती थी। मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाला प्रदूषण अब बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल शून्य हो चुका है। भारत के बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन शहरों में लॉकडाउन की वजह से मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं हो रही हैं। सड़कों पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आज वहाँ पेड़, फूल, सड़कें, नदियाँ सब साफ हो चुकी हैं। दिल्ली ऐसे शहर जहाँ सारे दिन धुंध जमा रहती थी, आपको कुछ दूर दिखने के लिए भी परेशानी होती थी, वहाँ बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर बात करें नदियों की, तो गंगा और यमुना नदी का पानी 50% तक साफ हो चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार PM2.5 और PM10 के स्तर में भी कमी आई है। दोस्तों, PM2.5 और PM10 एक छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो कि हवा में सर्कुलेट करते रहते हैं, और ये पैदा होते हैं पुआल के जलने से, फैक्ट्रियों के चलने से, वाहनों के चलने से। और क्योंकि इस समय फैक्ट्रीज बंद हैं, वाहन बंद हैं, तो PM2.5 और PM10 के स्तर में भी बहुत बड़ी संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि प्रदूषण के ग्राफ में इतनी तेज़ी से गिरावट हुई है, जो कि एक अविश्वसनीय है। इतनी गिरावट कभी दर्ज नहीं की गई। हम आपको बता दें, डीजल वाहनों से जो धुआं निकलता है, उसमें हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा सूक्ष्म कार्बनमय कणिकाएँ मौजूद रहती हैं, और पेट्रोल चलित वाहनों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड मौजूद होता है। लेड एक वायु प्रदूषण पदार्थ है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दोस्तों, डीजल चलित वाहनों की अपेक्षा पेट्रोल चलित वाहन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में इतनी ऑक्सीजन खर्च करती है, जितनी कि 1135 लोग श्वास लेने में खर्च करते हैं। यानी कि 1135 लोगों की श्वास लेने की ऑक्सीजन एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में खर्च कर देती है। दोस्तों, डीजल और पेट्रोल से चलित वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कण भी मिलते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आने पर एक बहुत ही खतरनाक धुंध और कोहरा जैसा बना देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। साथ ही ये वयस्क और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। हम आपको बता दें, वर्ष 1952 में लंदन के शहरों में ऐसी धुंध जमा हुई थी, जिसके कारण लगभग 4000 लोगों की मौत हुई थी। तो ये धुंध आपके लिए कितनी खतरनाक है, आप खुद सोच सकते हैं। दोस्तों, वाहनों की बढ़ती संख्या और हर वर्ष पेड़ों की कटती संख्या के कारण हर वर्ष प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से इस प्रदूषण के ग्राफ में बहुत बड़ी कमी आई है। PM2.5 और PM10 के स्तर में भी बहुत बड़ी कमी आई है। दोस्तों, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये बहुत ही महीन कण होते हैं, और इन कणों को आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। आपको इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर मार्शल बर्क का कहना है कि अकेले चीन की बात करें तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो चीन में 50 से 75 लोगों की मौत प्रीमेच्योर मौत हो जाती, यानी कि समय से पहले मौत हो जाती। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ प्रदूषण कम हुआ है और इतने लोगों की जान बचाई जा चुकी है, केवल अकेले चीन में। अगर पूरे विश्व की बात करें, WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 4.2 मिलियन लोगों की मौत प्रदूषण के कारण हो जाती है ना चौंका देने वाला आंकड़ा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये रिपोर्ट WHO ने दी है कि हर वर्ष लगभग 4.2 मिलियन लोग
केवल प्रदूषण के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो अब तक लॉकडाउन में लगभग 73,000 वयस्क और 4,000 बच्चों की जान बचाई जा चुकी है केवल प्रदूषण के कारण। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इतने लोग तो प्रदूषण के कारण ही मर जाते, जो कि अभी तक कोरोना की वजह से भी नहीं मरे हैं। यानी कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की संख्या इतनी नहीं है जितनी कि प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या है। तो लॉकडाउन आपके लिए कितना फायदेमंद है आप सोच सकते हैं। और अगर ये आंकड़ा बिल्कुल सही है तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को हर वर्ष कुछ दिन के लिए लॉकडाउन जरूर करना चाहिए ताकि इतने लोगों की जान बचाई जा सके। पृथ्वी की गतिविधियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले कंपन और आवाज़ के कारण हम छोटे मोटे भूकंप और ज्वालामुखी का अध्ययन नहीं कर पाते थे, जो कि अब करना आसान हो गया है। भूकंप का अध्ययन करने वाले रिएक्टर अब छोटे छोटे भूकंप और ज्वालामुखी का भी अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जंगली जानवर अब शहरों में अंदर आने लगे हैं। कुछ जगह से ऐसे जानवरों की फोटो सामने आई है जो कि विलुप्त प्रजाति में है, यानी कि वे जानवर बहुत ही रेयर केस में दिखाई देते थे, वे जानवर अब शहरों में दिखाई देने लगे हैं। चंडीगढ़ से अभी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें सेक्टर 5 में एक तेंदुआ सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया था। वहीं बिहार से एक तस्वीर अभी वायरल की गई थी जिसमें प्लेन के टायरों के बीच में एक अजगर आराम से सो रहा था। तो बहुत सारी ऐसी वीडियो ऐसे फोटोज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि लॉकडाउन से इन वन्य जीवों को कितना बड़ा फायदा हुआ है। वहीं दोस्तों लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम होने के कारण ओजोन की परत में भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हम आपको बता दें ओजोन की परत की खोज फ्रांस के दो वैज्ञानिक फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने की थी। दोस्तों ओजोन की परत धरातल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पाई जाती है और इस परत का बहुत बड़ा फायदा है, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को फिल्टर करके हम तक पहुंचाती है, यानी कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है और हम तक नहीं आने देती, क्योंकि पराबैंगनी किरण अगर हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। लेकिन जब वायु प्रदूषण बढ़ा तो इस प्रदूषण के कारण इस परत में भी कमी आने लग गई, यानी कि इस परत में भी छेद होने लग गए जो वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए। इस छेद के बारे में पता चला सबसे पहली बार 1980 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि अगर प्रदूषण लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन ओजोन की परत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब प्रदूषण कम हुआ है तो वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इस लॉकडाउन के कारण ओजोन की परत का छेद है भरने लग गया है, यानी कि ओजोन की परत दोबारा से बनने लग गई है, जो मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से जहाँ पूरी मानव जाति परेशान है वहीं वातावरण को कितना बड़ा फायदा हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। आप बाहर निकल के कभी आपको बाहर निकलने का लॉकडाउन मौका मिले तो आप देखिएगा शहर कितने साफ हो चुके हैं। आप आसमान की तरफ देखिए, आपको आसमान अब पहले से ज़्यादा नीला दिखाई देगा। रात को आपको आसमान में पहले से ज़्यादा तारे दिखाई देंगे। ये सब प्रदूषण कम होने की वजह से है, क्योंकि कोई मोटर व्हीकल कोई कल कारखाने नहीं चल रहे हैं उनकी वजह से ये प्रदूषण कम हुआ है। और प्रदूषण कम होने की वजह से आपको श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही श्वास संबंधी जितनी बीमारियां हैं आपको होने की संभावना 50% तक कम हो गई है। अभी एक रिपोर्ट में सामने आया है कि लॉकडाउन होने के बाद बहुत ज़्यादा कम ऐसे मरीज सामने आए हैं जो कि श्वास संबंधी बीमारी से ग्रसित हों। लॉकडाउन के जहाँ बहुत सारे नुकसान भी हैं तो वहाँ लॉकडाउन का बहुत बड़ा फायदा भी है। अगर यही स्तर है तो सरकार को हर वर्ष लॉकडाउन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वातावरण और इंसानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं दोस्तों पक्षियों के लिए भी लॉकडाउन बहुत बड़ा फायदा साबित हो रहा है। अब पक्षी आसमान में ज़्यादा विचरण करते हैं। पहले कुछ समय में जहां पक्षी आसमान में बहुत अधिक संख्या में घूमा करते थे, वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण ये कम हो गए थे, लेकिन फिर से दोबारा इनकी संख्या बढ़ने लग गई है। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस का किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आ जाऊंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न सब कुछ।